नाम बताने की चल रही है, नाम बदलने की मुहिम नहीं चल रही है क्या? इस भाई साहब का जो नाम है ना, वो नाम पूछा जा रहा है, ना कि योगी बदल रहा है। अभी तो नाम पूछ रहा है, मतलब ये योगी जी का एजेंडा क्या है? कभी जगह का नाम बदल देते हैं, कभी इंसानों का नाम। आप लोग वहाँ से डिग्री लेकर आते हो, आप लोग चाहते क्या हो? अगर एक मुख्यमंत्री नाम पूछ रहा है तो दिक्कत है। इसी देश में कसाब आया था ना, तो श्यामलाल बनकर आया था वो, कलावा बांध के, तो ये पूछने में क्या दिक्कत है? दूसरा, कांवड़ियों की आस्था का सवाल है। आप इस देश के हर मुसलमानों को कसाब बोलेंगे? नहीं मैडम, मैं सबको कसाब नहीं बोलूंगा, मगर वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। और दूसरी बात क्या है कि अगर मैं गीला हूँ, अगर मैं 100 लोगों से चिपटूंगा तो सारे गीले हो जाएंगे। क्या बात है। इसी तरीके से अगर एक गंदा है, एक ने खून लगाया है, और अगर वो 100 लोगों के साथ बैठ के दावत कर रहा है, आप ये गारंटी लो ना कि जिस कढ़ाई में उन्होंने चिकन बनाया है, बकरा बनाया है, मुर्गा बनाया है, उस कढ़ाई को वो लोग चेंज करके आलू का पराठा बनाते होंगे, इनके लिए आलू बनाते होंगे, ये गारंटी लो। आप बताओ, ये गारंटी लो मैडम। और जितना आपको रमजान प्यारा है ना, उतना हमारे को हमारा सावन प्यारा है। क्या बात है। उतने ही हमको अपने नवरात्रे प्यारे हैं, मैं आपको नहीं उनको। और तीसरी बात ये है कि आप कुछ भी पाल लो, योगी को प्रधानमंत्री बनने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? यूपी की सियासत में तो आग लगी हुई है मैडम। जिस दिन उसको हटाने की मुहिम चलेगी ना, उस दिन हम सड़कों पे आके हम बता देंगे कि हम भी बड़ी खतरनाक चीज है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आज जब राहुल गांधी से जाति पूछी गई तो अखिलेश यादव को क्यों बुला लगा? राहुल गांधी की चार जाति है। कौन सी? कौन सी? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कट्टर सेकुलर है। उसके बच्चे, उनके बच्चे अगर हो गए गलती से तो उनका नाम भी यही होगा, तुलसीदास खान गुरमीत सिंह और डिसूजा। क्या बात। क्योंकि मैडम भी कहेगी कि तुम्हारे पापा विचित्र आदमी है, जिस टाइम पे ये बन रहा था ना, उस टाइम पे ये मिक्स था, मिक्स जैसे मिक्स वेज होता है, मिक्स वेज। हल्दीराम के अरे हल्दीराम कहाँ से आ गया यार, उनके नमकीन में तो मिक्सर होता है। तुम्हारे को पहले भी बोला है मैं फेमस आदमी, किसी का फ्री में प्रचार नहीं करना है। अच्छा, हल्दीराम का प्रचार हो जाएगा। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको नाम पूछा जा रहा है, आप जाके पता कर लो। भैया एक मिनट, हेलो हेलो, जाके पता कर लो। रिलायंस फ्रेश के बाहर लिखा होता है अंबानी कंपनी, ये स्टारबक्स है, स्टारबक्स के लिखा है एक टाटा प्रोडक्ट। अरे भैया तुम्हारा बाप कौन है ये पूछ रहे योगी? अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो श्यामलाल बताएंगे। क्या श्यामलाल? तो हमें दुकानदारी करनी है तो भैया पक्के, सुनो बाप मत बदलो दुकानदारी के चक्कर में। क्या अगर शिवा बता रहे हो तो चार पीढ़ी पहले तुम शिवा थे। क्या क्या बात है। हाँ तो तुम शिवा ढाबा लिखते हो और बाद में श्यामलाल की जगह हम चेक करते तो पेटीएम पर प्राप्त हुए कयूम खान को 500 रुपए। हम ये नहीं कह रहे हैं। और आप दुकानदारी करो, रहा सवाल फलों का, फलों में तुम मुद्दो, फलों में तुम थूक दो, और तुलना कर रहे हैं वो बढ़िया आदमी है, वो का नाम है उनका सोनू सूद जी कहते हैं, पढ़े लिखे आदमी है। सबरी ने बेर जूठे नहीं करे थे, जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को खाना चक के देती है कि कम गर्म है, ज्यादा गर्म है, मिर्च कितनी है, तेज तीखा तो नहीं है, उसी तरीके से सबरी ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को देवता पूछते हुए उनको चक के दिए बेर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपको आपकी माँ ने कभी दूध पिलाया होगा तो थूक के पिलाया है या एक बार चक के पिलाया है? तो फिर आपको परिभाषा ही नहीं पता थूकने और चकने की। सही बात। और अगर थूकने से प्यार बढ़ता है, अगर थूकने से प्यार बढ़ता है तो भोजनालय के बाहर लिखो यहाँ थूका हुआ खाना मिलता है। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी जात के लोग भी अगर आके खा लें, तुम कहते हो तौबा तौबा, हम कहते हैं राम 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 राम। मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है, अब तक बीजेपी नाम पूछती थी, आज सदन में जाति पूछ रही है, ये कब तक पूछ रहा? कोई जाति नहीं पूछ रहा यहाँ पर लोग जो है ना, क्या यहाँ पर लोग सुबह कुछ होते हैं, सुबह श्यामलाल और रात को श्याम खान हो जाता कई बार। यहाँ पर पैसों के चक्कर में ना लोग चार बोरी आटे और चावल में अपना धर्म बदल रहे हैं, इसीलिए नाम पूछना जरूरी है। क्या नाम पूछना? और मैं इजराइल को इसलिए बढ़िया बताता हूँ, इजराइल के लोग चाहे 3 करोड़ है मगर उनका खौफ है पूरी दुनिया में। का खौफ है, खौफ। अगर वहाँ कोई भसूड़ी हो जाती है ना तो उन लोगों ने सबने आर्मी की ट्रेनिंग ले रखी है, और यहाँ लोगों ने इंस्टाग्राम चलाने की वीडियो बनाने की ट्रेनिंग ले रखी है, क्योंकि लोगों को पता है मुंडी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। इन चीजों से
कुछ नहीं होता। पढ़ो लिखो, देश का नाम रोशन करो, देश की सेवा करो, अपने देश के बाहर भी अगर जाओ तो गौरव से कहो अपना नाम। और हमने कब बोला नाम बदल दो? हमने नाम बदलने के लिए नहीं बोला। क्या हमने नाम बदलने के लिए नहीं? तुम्हारा कहाँ नाम है भैया? यूपी का सादा, सोशल एक्टिविस्ट। चलो यूपी के नहीं, तुम हिंदुस्तान के हो। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा नाम बदला जा रहा है या पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में? मेरा तो नाम, अरे तुम्हारा नाम उत्तर प्रदेश में अगर दुकान खोलोगे तो तुमसे पूछा जा रहा है शादाब के नाम से खोलोगे कि श्याम लाल के नाम से खोलोगे? मैं तो ऑब्वियसली शादाब खान के नाम से खोलूंगा, क्योंकि मैं अगर मुस्लिम हूँ तो मैं अपने नाम से विख्यात रहूंगा। मैं क्यों जय महा, मैं क्यों अपना नाम छुपाऊंगा? मुसलमान है क्योंकि देखो मैडम। अच्छा सुनो, अगर कहीं थूका हुआ खाना मिलेगा आप खाओगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे, मैं क्यों खाऊंगा? अगर कहीं पे भगवान ना करे गुलाब जामुन होता है भाई साहब, गोल गोल होता है, लाल लाल सा, अब उसकी रसा होती है, उसको लोग चाशनी समझ के पीते हैं, उसमें किसी ने मुंह दिया, ये तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। इसलिए नाम पूछा जा रहा है। और जितना तुमको रमजान प्यारा है उतना हमारे को नवरात्रे और हमारा सावन प्यारा। बोलो हर हर महादेव। और ये देखो बाहर मौसम बना हुआ है। अब पता है केजरीवाल क्या कह रहा है जेल में बैठा हुआ? ये मुझे डुबो के मार देगा मोदी, क्योंकि अभी विशेष सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि तिहाड़ में भी पानी भर गया। अब ये कह रहा है कि इंद्र देवता को मोदी जी ने बोला है कि भैया भैया तुम बारिश कर दो, केजरीवाल डूब जाएगा। अरे मेरे भाई, ये बारिश तो हम लोग तरसते हैं दिल्ली वाले, मीम बना हुआ है। अब इसका बारिश का नाम तो बारिश ही है, इसको क्या बोलते हैं भाई साहब आपकी भाषा में? उर्दू में बारिश ही बोलते हैं। आप तो मुसलमान हो ना, उर्दू में क्या बोलते हैं बारिश? बरसात बोलते हैं, बरसात बोलते हैं। बरसात और बारिश में फर्क क्या है उर्दू में बताओ ना? हिंदी में बारिश और अरबी में बरसात। वो मंगा ले क्या फिर? मेरे को इतना पता है भोले बाबा का मौसम चल रहा है, युवा जाग गया है। 24 में जो मोदी जी के साथ हुआ है वो सेकुलर हिंदुओं ने करा है। बार बार कह रहा हूँ योगी नाम नहीं बदल रहा, योगी नाम क्या हो गया मैडम? योगी नाम नहीं बदल रहा, योगी केवल नाम पूछ रहा है। भाई साहब आपका क्या नाम है? संजीव शर्मा। संजीव शर्मा। इनको नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है? अरे तुम नाम बदल के शादी कर लेते हो, नाम बदल के तो तुम लड़की पटा लेते हो। नाम बदल के शादी करने पे भी कानून लगा दिया है योगी जी ने कल, ताउम्र की सजा। मैडम उनका कोई पता नहीं है, वो हवालात के अंदर बैठे बैठे भी शादी कर लेते हैं और बच्चे पैदा करने के लिए बाहर आते हैं जमानत में। हाँ भाई, वो जमानत में बाहर आते हैं, कहते हैं हमें सुहागरात, जज को याचिका लगाई थी एक ने कि हमें सुहागरात बनाने के लिए जमानत दो थोड़े दिन के लिए। भैया हमें सुनो, हम धर्म को देश को आगे लेके चलना चाहते हैं, हम फक्र से कहते हैं हम हिंदू हैं। क्या हिंदू हैं? और हमें नाम बताने में दिक्कत नहीं है। अगर दीपक को बाई चांस शबनम से प्यार होता है तो दीपक बता के कहूंगा, दानिश बता के प्यार करूंगा, तो उस प्यार की परिभाषा क्या है कि मैं झूठ बोल दूं? क्यों भैया? अगर सचिन है तो सचिन बताए ना, शादाब का है बताता है ना भैया? जो नाम है, जो नाम है, क्योंकि बाप मत बदलो। बाप बाप को बाप मानना ये कोई अच्छी बात है? अपने पापा का नाम लिखो, टाइटल वो अपना दो ना, अपना नाम लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए मोहम्मद सलीम है कोई एक कोर्ट में, तो वो अपने नेम प्लेट लगाता ना, क्या नाम, चैम्बर के आगे मोहम्मद सलीम एडवोकेट है, तो ये वो अच्छा करता है वो, है ना। तो राजेश एडवोकेट, तो वो लगाता है ना अपना नाम लिखता है, तो दुकानों पे या उस पे लिखने में क्या जा रहा है, क्या नाम, ढाबे पे कोई ढाबा खोलते हैं शिवा ढाबा, ये क्या है, है? दूसरे के बाप को बाप कह रही है, अपने बाप का नाम बताओ, दूसरे के बाप का नाम बता रहे हैं कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, फलाना है, ये कोई तरीका है? तो ये तो धुंधल में रखने वाली बात है, किसी को धोखा देना, ब्लफ देना, है ना। ये इतने कावड़ लेने जाते हैं लोग, तो ये पैदल आते हैं वहाँ से, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, ब्लड आ जाता है, हैं? तो ये आसान बात नहीं है इस तरीके से तपस्या करना। ये ऋषि मुनियों का की धरा है, ऋषि मुनियों की पावन धरा है ये, और ऊपर से चल के आए हैं वो वही पहाड़ों पे विराजमान। राहुल गांधी जी कहते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, अब वही राहुल गांधी जी जाकर लालू यादव के साथ में चिकन मटन बनाना सीखते कि भैया तेज पत्ता कब डालना है, MDH का मसाला कब डालना है, मेथी कैसे पड़ेगी, जब बन जाएगा उसके बाद इतना सारा हमारे घर के लिए पैक कर देना है। ये ब्राह्मण है, एक बात सुनिए, वो अपने आप को युवा नेता बोलते हैं, युवा नेता पता कौन होता है? पवन कल्याण, अनुराग ठाकुर, चिराग पासवान, ये है असली, क्योंकि वो जब पार्लियामेंट में खड़े होते हैं ना वो विकास के बारे में बात करते हैं। तुम्हारी तरह हिंदू ही आप कह रहे हैं अनुराग ठाकुर जैसे युवा नेता विकास के बारे में बात करते हैं, वही अनुराग ठाकुर राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ। बिल्कुल
सही काम किया मैडम। देखिए, जिसके जात का कोई पता ना हो, और मैंने तो आज एक सेल लिख के आया हूँ अपने कलम से, पेन से। मैं अपने पेन से ये लिख के लाया हूँ कि आधी लिखूंगा हर एक बात लिख दूंगा, आधी लिखूंगा हर एक बात लिख दूंगा, तुम पीठ पीछे मेरी बुराइयां मत करना, और अगर उठा ली कलम तो तुम्हारी औकात लिख दूंगा। राहुल गांधी के लिए, और दूसरी ये है, न धर्म बदला न जात बदला, न धर्म बदला न जात बदला, बदल दिया है गौत, और न धर्म बदला न जात बदला, बदल दिया है गौत, जिसके दादा गड़े हो जमीन में ब्राह्मण हो गया पोत। ये फैक्ट है मैडम। और बताइए, चुनाव में तो ब्राह्मण बन के घूम रहा है, और उसके बाद राहुल गांधी पप्पू भैया की रियलिटी, और एक मिनट एक रियलिटी और सुनिए, यहाँ पर कहाँ के हैं ये, वायनाड के हैं वे सांसद हैं, वहाँ पर भूस्खलन हुआ, ठीक है, इनके यहाँ पे, ये वहाँ नहीं पहुँचे, वहाँ पर आरएसएस वाले छोड़ दिए ना, थे तो वहाँ के लोग, लेकिन वहाँ पे आरएसएस वाले जाके काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, आप इसके बारे में हिंदुओं का हिंसक बोलते हो, आरएसएस को बैन कर रहा है, बजरंग दल को बैन कर रहा है, वही लोग जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप बंद करना चाहते हो, लेकिन कभी इसके बारे में बोला कि भैया ये जो रोहिंग्या बसे पड़े हैं, ये बांग्लादेशी बड़े पड़े हैं, इनको कब बैन करवाओगे, इनको कब वापस भेजोगे? राहुल गांधी सवाल है मेरा, कब बंद करवाओगे भाई, इन्हें तो भगाओ, ये सवाल है मेरा इनसे।